बसम जी वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे कॉलिंग वीज़ा के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स जो है मलेशिया से हमारे पास आ रही हैं और मलेशियंस इमिग्रेशन के काम की जानिब से कॉलिंग वीज़ा को लेके एक बड़ी सीरियस डिबेट चल रही है मलेशिया में भी और बहुत सारे लोग हमें मैसेज भी करके पूछते हैं कि इस टाइम के ऊपर मलेशिया में कॉलिंग वीज़ा का क्या स्टेटस है कॉलिंग वीज़ा क्यों नहीं निकल रहा कॉलिंग वीज़ा में क्या हर्डल्स आ रही हैं और कॉलिंग वीज़ा कब तक ओपन हो जाएगा देखिए कॉलिंग वीज़ा के मैंने बहुत सारी वीडियोज़ कॉलिंग वीज़ा के ऊपर बनाई और बहुत सारे लोगों को कॉलिंग वीज़ा की हम डिटेल्स ये बताते चले कॉलिंग वीजा देखें कुछ सैनियोज में बंद है कुछ में नहीं बंद है कॉलिंग वीजा जो है आपको कुछ कुछ सैनियोज में बंद मिलेगा कुछ सैनियोज में बिल्कुल ओपन है लोग जा रहे हैं लोग अप्लाई भी कर रहे हैं लोग रह भी रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस टाइम के ऊपर कॉलिंग वीज़ा को लेकर वो जो है वो लोगों के दरमियान बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग इस हिसाब से कि कॉलिंग वीजा जो है वो कब ओपन हो रहा है और बहुत सारे लोग हमसे सवाल भी करते हैं जी कि कॉलिंग वीजा का क्या स्टेटस है कॉलिंग वीजा के क्या हालात वाकत हैं और कॉलिंग वीजा जो है वो कब जो है वो हम ले के मलेशिया जा सकते हैं लेकिन कोविड सिचुएशन जो है मलेशिया में अभी प्रॉपरली ख़त्म हुई हैं और मलेशिया जो है वो वाद मुल्क है जिसमें कोविड की जो सिचुएशन हैं वो बड़ी वर्स थी और कोविड जो है वो बहुत लेट ख़त्म हो रहा है देखिये दो हज़ार उन्नीस के एंड के ऊपर कोविड स्टार्ट हुआ मलेशिया में बीस इक्कीस बाईस के मिड तक तो कोविड ने ऐसा जो है वो लोगों को परेशान किया मलेशिया में कि लोग जो है वो कॉलिंग वीज़ा के ऊपर क्या कोई किसी भी वीज़ा के ऊपर जा नहीं सके मलेशिया लेकिन कॉलिंग वीज़ा को लेकर बहुत बहुत सारे लोगों का जो है वो सवाल हमेशा रहता है जी के कॉलिंग वीज़ा जो है वो मलेशिया कब ओपन करा है और बहुत सारे लोग जो स्पेशली वर्कर कम्युनिटी है और मलेशिया मलेशिया में जो पाकिस्तानी वर्कर कम्युनिटी है वो कॉलिंग वीज़ा को बहुत ज्यादा प्रेफर करती है और कॉलिंग वीज़ा को लेकर जाना चाहती है चाहे वो ए टू ए है या ए टू बी है लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जी कॉलिंग वीज़ा जो है वो क... बंद होने की वजह क्या है देखें बंद होने की बहुत सारी रीज़न है कॉलिंग वीज़ा की एक तो मैं पहले ही बहुत सारे डिस्कस कर चुका हूँ कि कॉलिंग वीज़ा के सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि जो अब मलेशियन गवर्नमेंट ये चाह रही है कि थोड़ा सा प्रोसेस को स्मूथ किया जाए 2022 तक मतलब जो बीच के बीस इक्कीस और 22 मतलब जो ढाई साल बीच में गुजरे हैं इसमें जो बैकलॉग था पहले वो चाह रहे हैं कि वो वहाँ वहाँ पूरे किए जाएं जहाँ जहाँ ज़रूरत है फिर वो वहाँ वहाँ उन्होंने प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर कॉलिंग वीज़ा देना इशू किया और उसका अल्टीमेटली इफेक्ट ये पड़ा कि वहाँ वहाँ तो जो मतलब जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन में जिन जिन सेक्टर्स में कॉलिंग वीज़ा की ज़रूरत थी और वहाँ पर उनके अपने लोग कम थे तो वहाँ पर उन्होंने पूरा करने के लिए कॉलिंग वीज़ा दिया लोगों को और लोग आके के वहाँ पर काम करना शुरू हो गए क्योंकि ये समझते हैं और मलेशियंस को ये लगता है कि जो कॉलिंग वीज़ा या जो उन लोगों को दिया जाए जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल वगैरह से बिलोंग करते हैं लेकिन अमूमन जो है हमारे पाकिस्तानी भाई कॉलिंग वीज़ा ले कर जाते हैं जिसकी एवरेज सैलरी जो है पंद्रह सारा सौ रेंगे से लेकर एवरेज जो है वो दो हज़ार पच्चीस सौ रेंगे होती है और लोग जो हैं वो कम्फर्टेबल होते हैं कि जी हम वहाँ पर जाके काम कर लें लेकिन 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 जो सबसे ज्यादा ज़रूरी चीज़ है कि कॉलिंग वीज़ा को लेकर बहुत सारे लोग जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं आप किसी भी कन्फ्यूजन का शिकार ना हो जैसे जो ये पिछले अभी जो है मलेशियन गवर्नमेंट पिछला बैकलॉग कवर कर रही है कि जो पीछे इतना बड़ा जो दो तीन साल लोग नहीं जा सके उनके वीज़ा पेंडिंग्स में पड़े रहे उनमें जहां जहां जरूरत है मलेशियन गवर्नमेंट को वहाँ पर पहले वो देंगे उसके बाद जाके अब नया जो कोटा आएगा उसमें बहुत सारे लोगों के वीज़ा अप्रूवल भी होंगे लेकिन कोविड के बाद पूरी दुनिया की सिचुएशन चेंज हुई है और पूरी दुनिया में एक अलग किस्म का सिनेरियो बना गया है लेकिन उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि कॉलिंग वीजा जो है वो आपके लिए तफ फेवरेबल है कि अगर आपको सैलरी अच्छी मिले और आपको जगह अच्छी हो आपकी जॉब अच्छी हो तो अगर मलेशन गवर्नमेंट ने अभी अभी बहुत सारी चीज़ों में इम्प्लीमेंटेशन की हैं बहुत सारी चेंजेस किए हैं बहुत सारी पॉलिसीज़ नई बनाई हैं कोविड के बाद थोड़ी सख्ती ज़्यादा कर दी है इमिग्रेशन हुकाम ने चाहे आप जो है वो कोई भी कॉलिंग वीज़ा लेकर जा रहे हैं तो लेकिन उम्मीद है कि थोड़े टाइम के बाद जब कोविड थोड़ा सा वहाँ से निकलेगा बल्कि निकल चुका है चीज़ें प्रॉपरली जो हैं वो अब अपने ट्रैक के ऊपर आना शुरू हो गई हैं जब ये आएंगी तो कॉलिंग वीज़ा आपको मिल जाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई मसला नहीं है आपने तमाम चीज़ वैलिड लगाई हुई है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगी आई होप कि जी आने वाले दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं जिन लोगों ने कॉलिंग वीज़ा अप्लाई किया और थोड़ा सा वेट कर लें आपको अच्छी खबर मिल जाएगी और अल्लाह तला करे कि आप जाएँ वहाँ पर कमाएँ पैसे और पाकिस्तान की इकॉनमी में अपना एक रोल प्ले कर मलेशिया की इकानमी में अपना रोल प्ले करें शुक्रिया